सत श्री अकाल जी। अकाल चैनल देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। पल पल की रिपोर्ट किसानों के संघर्ष के नाल जुड़ी हुई तुहानू देण दी कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो तो साडे सहयोगी सानू सारी जानकारी दे रहे ने। ते हुण असी देखते हैं कि सिंगू बॉर्डर ते किस तरह की स्थिति है, क्योंकि बीते कल किसानों की ते केंद्र की छेवें गेट की मीटिंग हुई सी, जिस दे विच गलबात हुई है। किते ना किते सरकार झुकदी नज़र आ रही है, पर अजे भी मुद्दा मेन उत्थे दा उत्थे ही खड़ा है। खेती बिल्लां नूं रद्द करवाउणा, खेती कानूनां नूं रद्द करवाउणा किसानां दी मुख मंग जो है। सो ज्यादा जानकारी दे लई जुड़ांगे सिंगू बॉर्डर तों अपने सहयोगी गुरप्रीत सिंह दे नाल। हांजी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। जी साल है वह बॉर्डर ते ही मनाया जाएगा। एक रोष है किसानां दे अंदर। सो की कहोगे, क्योंकि अजिहे विच बहुत सारे प्रोग्राम भी हुंदे ने जो लोग अपने अपने घरां दे विच हुंदे ने। जी बिल्कुल, जो दिल्ली की सरकार वालों, जो केजरीवाल सरकार वालों नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया 11 बजे तो लेकर सवेरे 6 बजे तक, धारा 144 लगी हुई है। उसका हवाला कोरोना का दिता गया, क्योंकि जे 31 दिसंबर नूं देखिए नवे साल से बहुत सारी पार्टीज होंगी है दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली एक सेंटर एक पॉइंट है, कैपिटल है, और कई सारे इवेंट्स होंगे, कॉन्सर्ट्स होंगे, और बहुत सारे जो एक पासे जो जो कि तुसी देखोगे जिहड़े पब्स दे विच डिस्कोस दे विच स्पेशल प्रोग्राम किए जाते हैं। दूजे पासे धार्मिक खिते वाल जे जोड़िए लोकी किते नशिया नाल ना जुड़न या नच गा के जिहड़ा हैगा अपना समा व्यर्थ करके ना जुड़न, सो धार्मिक आगुआं वालों भी समागम कीर्तन दीवान जिहड़े आ उह लिखे जांदे हैगे आ, तां कि जो यूथ हैगा उह गुरु साहब दे नाल जिहड़ा हैगा गुरबाणी पढ़ के जिहड़ा हैगा नवा साल मनाए। सो जो बड़े सारे कीर्तन दे हालांकि जो है पिछले दिन कीर्तन दरबार नहीं हो रहे सन, कोई खास गैदरिंग दी परमिशन नहीं सीगी। गुरप्रीत जी, दिल्ली सरकार वालों किसानां दे लई जो बॉर्डर ते बैठे हुए ने किसान, उन्हां दे लई वाईफाई सहूलत देण दा ऐलान किया गया है, क्योंकि बॉर्डर ते रेंज दी जो है काफी कमी, काफी समस्या देखी जा रही है, की कहोगे इस ते? हाँ जी, मैं बिल्कुल वाईफाई के बारे भी दसांगा। मैं जो पिछले दस रहा सीगा कि कई समागम जो कि उलीके जांदे सीगे दिल्ली दे विच, कीर्तन दरबार होंदे सीगे और वड्डे गुरुद्वारे सीसगंज साहब, बंगला साहब और होर थावां ते पंजाबी बाग टिकाणा साहब एक बहुत वड्डा कीर्तन दरबार हुंदा सीगा, पर क्योंकि 11 बजे तो बाद नाइट कर्फ्यू जिहड़ा हैगा उह लगा दित्ता गया हैगा, उसदे चलदे आ जिहड़ा हैगा उसके चलते सारे जो प्रोग्राम ने कैंसल कर दिए गए ने, जो सारे जो जो प्रोग्राम ने पोस्टपोन कर दिए गए ने, और कई दीवान भी शाम के है सी सारे कैंसल हो गए ने। और दूसरे पास जी किसानों वास्ते जो गल कर रहे हो तो वाईफाई जी है दिल्ली सरकार ने ऐलान किया, सो इतने जो है जो इतने दिल्ली जो कि गुरु तेग बहादुर मेमोरियल है जो दिल्ली का एरिया है उसे किसानों वास्ते जो कुछ वाईफाई के होटस्पॉट बनाए गए ने, लगाए गए ने, और कल उसकी शुरुआत जी है की गई है, क्योंकि इतने जो देखिए इंटरनेट की रेंज की बड़ी प्रॉब्लम होती है, भावे इतने जो कई कैंप ने तो उत्थे उन्होंने जो है वाईफाई कनैक्शन अपने इंडिविजुअल तौर पर भी ले लए ने, क्योंकि ईवन जे असं अपनी भी गल करिए साडा जिहड़ा इत्थे अकाल लीडर वालों जो इतने कैंप चलता पिया है साडे वालों भी इतने इंटरनेट कनैक्शन लगाया गया है, और कई होर थावां ते असीं भी 3 कनैक्शन लए आ, पर बहुत यानी कि लोकल जो वाईफाई लोगों ने इंडिविजुअल जिस तरीके टेंट लगाए हुए ने या कैंप लगाए हुए ने या जिस तरह होर जथेबंदियां जिहड़ियां रुकियां होईयां उन्हां दी सरावां दे विच भी इंडिविजुअल तौर पर वाईफाई सर्विसिज दे रही है। उस तो अलावा कुछ समाज सेवी भी जिहड़े हैगे ने, मैं तुहानू दिखाना चाहांगा कुछ समाज सेवी संस्थावां भी अपने वालों जो है वाईफाई की फैसिलिटी दे रही है। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहांगा, तुसीं देखोगे कि किस तरीके जो इत्थे एक तस्वीर हैगी है, जे तुसीं ये देख सको तो इन्हां वालों वाईफाई जिहड़ा हैगा कुछ वीरां वालों अभिषेक जैन ने फ्री वाईफाई और फ्री पासवर्ड जिहड़ा इन्हां वालों लगा के दिता गया हैगा। इहो जिहे कई इनिशिएटिव लोकल लोकां ने, लोकल जिहड़े समाज सेवी ने उन्होंने भी किया हैगा, सो कल्ले इह नहीं कि सरकार वालों हैगा, उस तो अलावा भी कई लोगों ने किया होया। जे साडी भी जे असीं गल करिए तां
किसानों का संघर्ष जो शुरू होया सी पंजाब तो यह हूक जो है हुण देशों विदेशों दे विच हर वर्ग के लोगों वालों सहयोग दिता जा रहा है। गुरप्रीत सिंह तुसीं लगातार ग्राउंड जीरो तो सानू रिपोर्ट दे रहे हो, जिस दिन तो किसान बॉर्डर से डटे ने हुए ने उस दिन तो तुसीं नाल नाल हैगे उन्होंने, तो जेकर गल की जाए पहले दिन तो लैके हुण तक दी, क्योंकि केंद्र सरकार दे विच ते किसानां दे विच छेवें गेड़ की मीटिंग हुई है कल, उस तो बाद बलवीर सिंह राजेवाल वालों अपने पेज से एक मैसेज भी दिता गया है, सब का धन्यवाद किया गया है उन्होंने वालों, जाहिर के सब ने जिस तरीके दे नाल किसान वीरां दा सहयोग दिता, इस दे नाल ही उन्होंने जो लोग शरारती अंसर है उन्होंने तो भी बचण की अपील की है। तुसी विचरदे हो सारा दिन किसान आगुआं दे नाल किसानां दे नाल रहिंदे हो, कि इन्हां नूं जो कल मीटिंग हुई है उस तो कुछ संतुष्टि हुई है या फिर नहीं, अजे ती उत्थे दी उत्थे अजे भी गल टिकी हुई है? जी बिल्कुल, किसानां दा हौसला मैं कह सकदा कि वधिया हैगा, जरूर वधिया किसानां दा हौसला, क्योंकि उन्होंने लगे कि शायद सरकार जो है किसी पॉइंट ते जे साडे नाल गल कर रही हैगी है, जे राजी हुई है ते वो किसी पॉइंट ते वो चुकी हैगी है, सरकार 25 to 30% जिहड़ी गल हैगी है वो जो है उन्हां दी सुनी गई हैगी है, हल हुई हैगी है, उन्हां दे नाल भी असीं गलबात करांगे। तुसीं देख सकदे हो कि जिहड़ा हैगा कि नाम है, तुसीं देख सकदे हो कि किथे काफी जो कि किसान जिहड़े ने जिहड़े काफी किसान जिहड़े ने इत्थे मौजूद ने और किसान जथेबंदियां जिहड़ियां ने इत्थे लगातार जो आईयां होईयां ने, हौसला उन्हां दा वधिया। जी की कहना चाहोगे सरकार वालों जो कल मीटिंग हुई है, दो मंगा उन्हां वालों मनियां गईयां, कुछ की उस बारे की कहना चाहोगे? दो मंगा मने जे जिन्ना चर साढ़े तिने काले कानून रद्द नहीं कर देंगे, अच्छा उन्ना चर किसी और दूजा लिखती रूप MSP का नहीं दिता, असं किसी भी तरीके कैंसल नहीं होने देंगे, जिन्ना चर बिलकुल ओके क्लीयर करके कैंसल करके मता पास करके बिलकुल पास नहीं करके क्लीयर कागज दिता उन्ना चर असं इतने डटे रहेंगे। यानी कि तुहानू किन्ने परसेंट सैटिस्फैक्शन या संतुष्टि कह सकते हो? भले मोदी की जवान है नी, बेजवाना बंदा है, ये कोई पता नहीं किस टाइम इन्हें मुकर जाना, क्यों जरा 15 लाख पहला दिता एक दिन कुछ दिता मैं 2 करोड़ नौकरी देगा, यदि जवान कोई नहीं, जवान उन्होंने जिन्ना चर लिखती रूप च नहीं दिता उन्ना चर सानू इहदा कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, देख सकते हो कहिंदे कि सानू कोई बहुता भरोसा नहीं, होर भी किसान आगू ने तुहानू की लगता है किन्ना कल की जिहड़ी गल तुरी है किन्ने परसेंट विश्वास बनिया उस ते? सरकारां ते विश्वास तो बिलकुल नहीं करना चाहिए, पर जिथे कोई गल आउंदी है भी इह मनदे आ कुछ ना कुछ उत्थे सानू थोड़ा जिहा जिहड़ा सोचना पैंदा है भी किसानां दे हितां दे लई। तुहानू लगदा कि दो मंगां ते सहमति बनी है, किसान भी कहिंदे कि ठीक है चलो उन्हां दी दो मंगां मनीआं भैया, कुछ परसेंट अगे गल तुरी है? पर इह भंबल भूसा हजे ना कोई लिखती तौर ते ना कोई अखबारां दे विच इश्तहार है, जिवें इह पहलां इक पासे तां गल्लबात कर रहे हैं, इक पासे लखां रुपया अखबारां दे उत्ते ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ RS ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਚੰਟ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ लग रहा है केंद्र सरकार वालों नहीं कोई सोल्यूशन अजे कढ़न दे मूड दे विच इन्नी जल्द? देखो जी असीं गलबात कीती है, कहिंदे हुण तक दी मीटिंग आ जिहड़ी ओह बेसिट्टा रहीआं सीगीआं, पहली मीटिंग सीगी जिहदे विच थोड़ी कामयाबी मिली हैगी आ, 25-30% मुद्दे ते जिहड़ी हैगी है गल हुई है सुनी आ, जिहड़ी अगलियां मंगां ने ओह वी कहिंदे कि जो अगले एजेंडे दे विच होणगीआं किसानां दी जो हैगी अगला उस दे विच मंग रहेगी कि अगली मीटिंग उस दे उपर कीती जाए, क्योंकि जो वीरां वालों आई कह गया कि एक पासे तां सरकार कह रही है गलबात दे राह साडे वालों खुल्हे, दूजे पासे उहनां बुल्लां नूं लैके जिहड़ा हैगा ना एडवर्टाइजमेंट जिहड़ी अखबारां दे विच टीवी ते कीती जा रही है कि वह बिल बहुत वधिया ने, यानी एक पासे वकालत हो रही है दूजे पासे शोर दीआं गल्लां हो रही हैं, तो जिस करके किसान आगू वह भी जो हैगा एक कह सकते कि दुचित्ते दे विच हैगे कि सरकार अपना रुख जिहड़ा हैगा वह साबत करे और बिल्कुल स्पष्ट करे। सो 4 तरीक की मीटिंग भी अहम होगी,
जे उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके कल की मीटिंग कामयाब हुई है और 4 तारीख की मीटिंग भी कामयाब रहे। कानून दे खिलाफ सो किसाना दा जो राजनीतिक पार्टियां कोई साथ दिंदियां इन्हां नूं किन्नी क संतुष्टि हुंदी है जां चंगा लगदा है क्योंकि किते ना किते जे ओह हुण राजनीतिक पार्टियां उन्हां नूं भी पता लग गया भी 2022 दियां जिहड़ियां इलैक्शन आ रहियां ने उन्हां नूं भी किते किसानां दा जो मुद्दा है एक वड्डा मुद्दा बन चुका है हुण भी राह नहीं मिलना किते उन्हां नूं जगह नहीं मिलनी की पता सच्ची इदां होवे भी जो राजनीतिक पार्टियां किसानां दा साथ दे रहियां हुण किन्नी क संतुष्टि लगती है जो कोई पार्टी आके इन्हां दा समर्थन करती है। देखो कई पार्टियां समर्थन तो कर रही है जिस तरीके कांग्रेस ने तकरीबन समर्थन यानी कि जेड़े भी विपक्षी दल ने आम आदमी पार्टी के तकरीबन सारे समर्थन कर रहे हैं और जिस तरीके हम कल जो अमृते सैन वालों जो है नोबल विजेता उन्होंने वालों भी हिमायत आई है सो जो यहोजे लोगों वालों जी हिमायत आती हैगी है पलड़ा जोड़ा है किसान का भारी होंगे है उन्होंने लगता है कि जो सोशल जो बंदे ने जो नोबल पुरस्कार विजेता ने जी वो किसान के पक्ष के आ रहे हैं ते एक पलड़ा इस पासे नूं डिगदा हैगा और तुसीं इत्थे देख सकते हो कि काफी किसान इत्थे मौजूद है। कल दी मीटिंग तों उन्हां नूं लग्गिया कि शायद हुण गल किते तुरी है नहीं ते उसे दे एवज दे विच क्योंकि सरकार ने जिहड़ा हैगा बेनती कीती सी कि जिहड़ी कि ट्रैक्टर रैली तुसीं कढ़नी है वह तुसीं ना कढ़ो और सरकार वालों क्या सीगा कि उसके बदले दे विच सही किसानां ने कहा कि ठीक है जे तुसीं अगली मीटिंग रैली भी कढ़ी जाणी सी किसानां वालों ओह मुलतवी कर दित्ती गई ओह कदों हो रही है और अगली मीटिंग दे विच किसान जथेबंदियां जाणगियां या नहीं जाणगियां इन्हां बारे की कहना है इस बारे नहीं उन्होंने कहा किसान जथेबंदी ने कि 4 जनवरी वाली मीटिंग च जाणगे हजे उन्होंने इस बारे कोई ना नहीं की उन्होंने कहा असीं जावांगे मीटिंग दे विच और दूसरी गल उन्होंने किसान रैली इसे करके जो पोस्टपोन की सरकार वालों दबाव पाया जा रहा है कि भी तुसी जो है अगला प्रोग्राम ना पेश करो क्योंकि असीं तुहाडी गलबात कर रहे हैं और तुहाडी गलबात असीं मन्नांगे भी सो जे कल दी मीटिंग जे बेसिटा रहिंदी तां शायद ट्रैक्टर रैली हो सकती सीगी पर क्योंकि कल दी मीटिंग कुछ हद तक कामयाब रही है सो इस करके सरकार भी किसान आगुआं नूं मनाउण दे विच कामयाब रही है कि तुसी जो ट्रैक्टर रैली ना कढ़ो सो इस करके उस दे एवज दे विच 4 जनवरी की मीटिंग रखी गई है और दो मंगा जो मनिया गई हैं सो किसानों नूं भी एक उम्मीद है और सर किसानों ने भी अपना वड्डा दिल करते हुए अपने प्रोग्राम दे विच जिहड़ा हैगा थोड़ा जिहा पोस्टपोन उन्हूं रख्या किसान जिहड़ी ट्रैक्टर रैली उन्हूं थोड़ा जिहा मुलतवी कीता हैगा और 4 जनवरी तों बाद जिहड़ा डिसीजन दित्ता जाएगा इस बारे जी बिल्कुल जेकर गल की जाए बीती कल दी तां शिंगू बॉर्डर तो पुलिस हैड कॉन्सटेबल नूं काबू किया गया सी शराब दे नशे दे विच उन्हां बारे की जानकारी है अजय बिल्कुल कई ऐसे जिहड़े अंसर ने आ जांदे ने और क्योंकि देखिए तो पुलिस दी भी बड़ी वड्डी इत्थे गश्त जिहड़ी हुंदी है बड़े वड्डे लोग ने और जे इंडिविजुअल तौर ते कोई जो इस तरह नशा करके आंदा ते जरूरी नहीं कि पुलिस भी उहदे विच सारी गल होवे इंडिविजुअली ते पर जे आ कि हां जे कोई इस तरीके दी हरकतां जिहड़ी हैगियां इस अंदोलन दे विच जे हुंदियां ते उह जरूर दूजे पासे नूं उह गल जिहड़ी जानी गल जांदी हैगी सो इसे करके किसान जथेबंदियां ने भी अपनी वॉलंटियर्स दी टीम जिहड़ी है उहनां नूं मुस्तैद कीता होया और पूरा सुचेत कीता होया और उह बड़े वधिया तरीके नाल जिहड़ा हैगा उह टैकल करदे आ जो सिचुएशनस आउंदी आ ते उहनूं हैंडल करदे हैगे। जी 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 बिल्कुल गुरप्रीत जिस तरह किसान हुण अपने घरां तों बाहर ने अजिहे विच नवें साल दे मौके ते हर एक व्यक्ति दे अपने अपने प्रोग्राम हुंदे ने गुरद्वारा साहिबाना दे विच जांदे ने 2 तरीक नूं गुरु गोबिंद सिंह जी दा दिहाड़ा आ रहा है अजिहे विच नगर कीर्तन कढ़े जांदे ने सो कोई प्रोग्राम उलेखिया जा रहा है किसानां वल्लों क्योंकि जेकर गल कीती जावे पिछे असीं बंदी छोड़ दिवस देखिया कि बॉर्डरां ते किसानां ने घरां तों बाहर किस तरीके दे नाल मनाया गुरु नानक साहब जी का प्रकाश दिहाड़ा आया सो इस बारे है कोई जानकारी जी कल एक नगर कीर्तन स्टेज से कढ़िया जाएगा पर वो किस निमित्त कढ़िया जाएगा इस बारे कोई जानकारी अजे नहीं दी गई पर हाँ जी अगला कोई भी प्रोग्राम होएगा वो एकदम पहले तो नहीं वो 2-3 दिन पहले ही दसिया जाता है सो जे कोई भी ऐसी जानकारी होएगी जरूर साझी की जाएगी जी बिल्कुल गुरप्रीत जी तुसी सानू लाइव तस्वीरां दिखाईयां सारी जानकारी दित्ती कि किस तरीके दे नाल सिंगू बॉर्डर ते समय माहौल बनिया होया है
ते किसान की सोचते हैं केंद्र सरकार दी की रणनीति है अगली सारी जानकारी दी गई किस तरीके दे नाल दिल्ली दे विच नाइट करफ्यू लग्या है ते किदां दा इस समय बॉर्डर ते बैठे किसानां दा हाल है क्योंकि कड़ाके दी ठंड पै रही है अजिहे विच जो किसान अपने घरां तो बाहर बैठे हुए ने अपने संघर्ष दे लई संघर्ष कर रहे ने सो ये सारी जानकारी साडे नाल सांझी करन दे लई बहुत बहुत धन्यवाद अकाल एड वालों मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है उत्थे गर्म कपड़े भी किसान वीरां नूं वंडे जा रहे ने तां जो किते थोड़ी बहुती राहत किसानां नूं मिल सके क्योंकि अपने घरां तों बाहर बैठियां नूं किसानां नूं अज 35 दिन हो चुके ने अजिहे विच बहुत सारे बजुर्ग ने साडे छोटे छोटे बच्चे बजुर्ग माता भैणां बहुत सारे लोग जो अपने घरां तों बाहर बैठे हुए ने गल सारिआं दी है क्योंकि जमीन इह नहीं है कि सिर्फ किसान दा इस नफा जा नुकसान है नुकसान सब दा है सो संघर्ष सारिआं दा है दुनिया भर दे विचों चंगा हुंगारा मिल रहा है पर लोड़ है कि जल्द तो जल्द केंद्र सरकार दा जो पॉजिटिव रवैया है जो सुखद समाचार सानू आवे किसानां दे हक दे विच आवे सो अज दे इस प्रोग्राम दे विच इन्ने मैनूं इजाजत दिओ तुसीं देखते रहो अकाल चैनल सत श्री अकाल।